रिश्वतखोर पुलिस वाला एक एक्सीडेंट में रोड पे ही मर जाता है। मरने के बाद वो भूत बन जाता है। भूत बन के वो पूरे शहर में आतंक मचा देता है। वो पुलिस वाला भूत एक एक करके शहर के लोगों का शिकार करता रहता है। किसी न किसी को तो पकड़ूंगा जरूर। अपनी मौत को मैं यूं बर्बाद नहीं होने दूंगा। आखिर कुछ तो फायदा हो भूत बनने का। तभी वहाँ एक बाइक पे तीन दोस्त आते हैं। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम गए, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। अरे बाबा मेरे दोस्त, आज तो मजा ही आ गया। हुर्रे! फिर थोड़ी दूर जाते ही ए, बाइक रोको। तीनों दोस्त रुक जाते हैं। तीन सवारी, पता नहीं है तुम्हें, तीन सवारी एक बाइक पे बैठना जुर्म है। ऊपर से हेलमेट भी नहीं है। अरे सर माफ कर दो ना, जो गरीब की जान के पीछे पड़े हो, कहाँ जेल वेल का चक्कर डाल रहे हो, ले दे के रफा दफा कर दो ना। अच्छा तो अब रिश्वत भी, ये तो इससे भी बड़ा जुर्म है। अब तो तुम्हें जेल चलना ही पड़ेगा। फिर वो पुलिस वाला भूत उन तीनों को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाता है और उन्हें एक खुफिया जेल में बंद कर देता है। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। अरे सर ये कैसी जेल है, यहाँ तो हमें बहुत डर लग रहा है और यहाँ कोई और कैदी भी नहीं है। वहाँ से चला जाता है। भाई ये जगह कुछ अजीब नहीं है? हाँ 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 भाई, लगता है जैसे ये पुलिस स्टेशन है ही नहीं। तभी वो पुलिस वाला भूत दो और लोगों को पकड़ के वहाँ ले आता है और उसी खुफिया जेल में बंद कर देता है। बहुत जल्द मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करूँगा। भूत पुलिस की भयानक हंसी देख के वो सब कैदी काफी डर जाते हैं। फिर रात होने पर भाई उठो, मुझे इस सुनसान जगह पे बहुत डर लग रहा है। फिर वहाँ भूतिया आवाजें आने लगती है। अरे ये आवाजें सुनो, कितनी डरावनी आवाजें हैं। भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे तो ये पुलिस स्टेशन भूतिया लग रहा है। सारे कैदी भूतिया आवाजें सुन सुन के थर थर कांपने लगते हैं। पुलिस सर अब तो हमें छोड़ दो, एक दिन की सजा बहुत है ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के लिए। कितने नादान हो तुम लोग, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ रूल्स की वजह से लाया हूँ। पुलिस भूत की पहेली जैसी बातें कैदियों की समझ में नहीं आती, पर डर के मारे वो कुछ नहीं बोलते। फिर दिन निकलने लगते हैं और पुलिस वाला भूत हर दिन दो तीन लोगों को ला के कैद करने लगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या माजरा है। सारे कैदी भूखे प्यासे उसी भूतिया खुफिया जगह पे दिन बिताने लगे। कुछ और दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन आधी रात को जब सारे कैदी सो रहे होते हैं। मैंने कितने सारे इंसानों को कैद कर लिया, अब मेरा लक्ष्य दूर नहीं। तभी अचानक ही पुलिस वाला अपने असली भूतिया रूप में आ जाता है। ए शैतानों के देवता प्रकट हो, ए भूतों के मालिक दर्शन दो। तभी तेज तेज हवाएं चलने लगती है। रात काली और डरावनी हो जाती है। चांद बादल में छुप जाता है। फिर अचानक एक एक भूत के सामने भूतों के देवता भयानक से रूप में प्रकट होते हैं। अंधेरा कायम रहे
अंधेरा कायम रहे। ए मालिक, जैसा कि आपने कहा था, मैं बहुत जल्द 100 इंसानों को बंदी बना लूंगा। उसके बाद तो मैं शक्तिशाली भूत बन जाऊंगा ना। तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर तुम्हें अपनी भूतिया शक्ति बनाए रखनी है और सर्वश्रेष्ठ भूत बनना है तो तुम्हें 100 इंसानों की बलि जल्द से जल्द 31 दिन पूरे होने से पहले चढ़ानी होगी, वरना तुम भस्म होके खाक बन जाओगे। ध्यान रहे, 100 लोग 31 दिन। कह के भूतों के देवता अदृश्य हो जाते हैं। पुलिस भूत सोच में पड़ जाता है कि वो अब क्या करे। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को भूत पुलिस ने पकड़ा होता है उनके घर वाले परेशान हो रहे होते हैं। अरे कितने दिन हो गए, बच्चे घर नहीं आए। उनके बाकी दोस्तों ने बताया कि उन्हें एक पुलिस वाले ने पकड़ा था, फिर वह उन्हें कहाँ ले गया किसी को खबर नहीं। हमें ढूंढना होगा, शायद वे लोग मुसीबत में हैं। यहाँ कैदी भूखे प्यासे कमजोर हुए जा रहे थे। तभी एक दोपहर, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अरे कुल्फी खाएंगे, समोसे खाएंगे, कहीं भी रुकेंगे ना हम। खाना पीना मोटरसाइकिल पर होगा, कहीं भी रुकेंगे ना हम। हुर। आ भाई, बाइक रोको, लाइसेंस दिखाओ। मेरे पास नहीं है। तो चल मेरे साथ फिर। भूत पुलिस वाला रमन को अपने साथ लेके उसी खुफिया पुलिस स्टेशन में ले जाने लगता है। तो ये बात है, ये पुलिस स्टेशन के पीछे से एक तहखाने में ले जाता है सबको। पर ये है कौन, पुलिस तो नहीं है, मुझे सतर्क रहना होगा। फिर भूत रमन को उन्हीं कैदियों के साथ बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अरे रमन भैया, तुम यहाँ? अरे तुम लोगों की ये कैसी हालत हो गई है। तुम चिंता नहीं करो, मैं सबको यहाँ से निकलवा लूँगा। फिर 31वीं रात को भूत पुलिस वाला अपने असली रूप में आता है और उसी स्टेशन में उनकी बलि की तैयारी करने लगता है। अब मुझे शक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। भयानक हंसी की आवाज सुन के सभी कैदियों की नींद खुल जाती है और अपने सामने भूत देख के वे लोग बहुत डर जाते हैं। भूत? अरे ये पुलिस वाला तो भूत निकला। अरे मर गए रे, अब हम क्या करें, लगता है हम सब मारे जाएंगे। अब मैं तुम सब की बलि अपने देवता को देके सर्वश्रेष्ठ भूत बनूंगा और पूरी दुनिया पे राज करूंगा। मुझे पहले से ही शक हो गया था कि तू पुलिस वाला नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ और तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा। भूत ये सब सुनकर आग बबूला हो जाता है। तू मुझे धमकी दे रहा है, मुझे आज 31वां दिन है और आज मैं तुम 100 लोगों की बलि दूंगा, देखता हूँ तू मुझे कैसे रोकेगा। पुलिस वाला भूत गुस्से में रमन के सामने सब बात उगल देता है। जैसा कि इस भूत ने कहा है कि आज ही बलि देने की आखिरी रात है, तो अगर मैं किसी तरह इस रात को निकाल दूं, तो इस भूत का समय निकल जाएगा और ये भस्म हो जाएगा। समझ गया मैं। ए भूत, तुझे क्या लगता है, तू हमें इतनी आसानी से बलि पे चढ़ा देगा? तू नादान है, तू एक भूत की ताकत नहीं जानता है अभी। रहने दे, तेरे बस की कुछ नहीं है, बस खोखली बातें। तुझे क्या लगता है, तू मनमानी करेगा? और इसी तरह रमन भूत को बातों में उलझाए रखता है और तभी सुबह की पहली किरण निकलती है। अरे ये क्या, ये सुबह कैसे हो गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू भूत तो है पर मंद बुद्धि है, तूने गुस्से में सब कुछ उगल दिया और देख तेरी चाल तुझ पे ही भारी पड़ गई। तभी भूत भस्म होने लगता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई बचाओ, बचाओ मुझे। और थोड़ी ही देर में चीखते हुए भूत जल के भस्म हो जाता है।